और अब बात कर लेते हैं बुलेटिन में कांग्रेस के नव संकल्प शिविर की। शिविर का आज आखिरी दिन, चिंतन शिविर में तैयार हुआ है 2024 के लिए ब्लूप्रिंट। राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनावी मैदान में उतर सकती है कांग्रेस पार्टी। युवाओं की नई टीम के साथ राहुल गांधी संभाल सकते हैं पार्टी की कमान। जातीय जनगणना, MSP की लीगल गारंटी जैसे मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी कांग्रेस। और आज नव संकल्प शिविर का आखिरी दिन है और आपको बता दें कि चिंतन शिविर में तैयार हुआ है 2024 के लिए ब्लूप्रिंट। राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी उतर सकती है। युवाओं की नई टीम के साथ राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की कमान संभाल सकते हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। जातीय जनगणना, MSP की लीगल गारंटी जैसे मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जाएगी। तो नए संकल्प के साथ कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जाएगी। तो लगातार जी राजस्थान इस खबर को लेकर पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। आज नव संकल्प शिविर का आखिरी दिन है, कौन कौन से एजेंडे रहने वाले हैं वो हम आपको बताएंगे। और आपको बता दें कि MSP की लीगल गारंटी जैसे मुद्दे को लेकर जनता के बीच कांग्रेस पार्टी जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शशि मोहन मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि पल पल की अपडेट इस खबर पर पहुंचाते रहे हैं। शशि मोहन, आज आखिरी दिन है नव संकल्प शिविर का, कौन से संकल्प रहने वाले जो कि आज कांग्रेस पार्टी लेगी? मनीष, देखिए पिछले दो दिन से जो 6 अलग अलग कमेटियों में ग्रुप डिस्कशन चल रहा था, किसी कमेटी में 60 लोग थे, किसी में 70 थे, 40 से 70 सदस्यों की अलग अलग कमेटियां थी। बड़ा ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, चाहे किसानों का मुद्दा हो, सामाजिक न्याय का मुद्दा हो, आर्थिक मुद्दे हो, राजनीतिक मुद्दे हो, सभी का निचोड़ तैयार हो गया है देर रात तक। आज सुबह CWC जो कांग्रेस की सबसे बड़ी बॉडी है उसकी मीटिंग होगी, उसमें ये उनका निचोड़ रखा जाएगा। उसके बाद में CWC किन किन प्रस्तावों पर मोहर लगाती है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात होगी। और जब CWC मोहर लगा देगी तो उसके बाद में टाइम बाउंड प्रोग्राम कांग्रेस रखती है या नहीं यह भी देखना होगा। क्योंकि अगर टाइम बाउंड कार्यक्रम नहीं तय किया तो फिर कहीं इस चिंतन शिविर के नतीजों का भी हाल वैसा ही ना हो जाए जैसे पहले कई अधिवेशन और शिविर और चिंतन कार्यक्रम कांग्रेस के हुए हैं उनका हाल हुआ है। दरअसल इससे पहले भी महिला आरक्षण को लेकर के बात हुई है पार्टी की तरफ से और ऐसे कई मुद्दे हैं, लेकिन अब की बार पार्टी ज्यादा मजबूती से दिख रही है इन मुद्दों को उठाने में। पार्टी का कहना है कि वो सत्ता से बाहर हो गए हैं इसलिए उनको चंदे में आर्थिक सहयोग मिलने में समस्या आ रही है, उनकी बात लोगों तक पहुंचाने में सोशल मीडिया विंग जो कांग्रेस की है वो कमजोर रही है, उसको मजबूत करना होगा, मीडिया में किस तरीके से प्रभावी तरीके से बात रखी जाए, किसी भी मुद्दे पर तत्काल रिएक्शन देने से कैसे बचा जाए, पार्टी में एक राय कर ली जाए उसके बाद एक लाइन के ऊपर चला जाए, ये सारे मुद्दे आए हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि RSS को कांग्रेस कोसती तो है लेकिन उसके संगठन का लोहा भी शायद इस चिंतन शिविर में माना गया है, चर्चा हुई है, क्योंकि कुछ नेताओं ने ऐसा कहा कि जैसे RSS के पास RSS की समाज में पकड़ है, सामाजिक पहुंच है, और वैसा कोई संगठन कांग्रेस के पास नहीं है जो समाज में लोगों तक सीधे उनकी बात पहुंचाए, इस तरह के किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के डेवलप करने को बात हुई। देखिए एक प्रशिक्षण को लेकर के विभाग बनाया जाएगा और पूरे साल राउंड द ईयर ये प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तैयार करने की योजना के तहत ये कार्यक्रम होंगे जिसमें कांग्रेस की रीति नीति और किस तरीके से लोगों तक बात पहुंचाएगी। मनरेगा जैसा मुद्दा है, मनरेगा की जो तहत काम हुआ लोगों को बेरोजगारी की स्थिति में अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूत संबल मिला, उसको लेकर के कल कई पार्टी के नेताओं ने ये कहा कि अगर BJP इस तरह की नीति लाती तो आज BJP के पास में मजदूरों का एक बड़ा वर्ग होता जो उनके साथ में जुड़ा हुआ रहता, उनके वोट के रूप में जुड़ा हुआ रहता, लेकिन पार्टी इस मुद्दे को मनरेगा की जो उपलब्धि थी उसको शायद लोगों तक और मजदूरों तक, श्रमिकों तक, ग्रामीणों तक नहीं पहुंचा पाई सही तरीके से और उनको सही तरीके से नहीं जोड़ पाई। अब इसके क्या कारण रहे इस पर भी मंथन हुआ, इन खामियों को दूर कैसे किए जाए इस पर भी बातचीत हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि 2024 में कांग्रेस को कैसे खड़ा किया जाए। राज्यों का केवल मसला नहीं है,
पूरे देश भर में कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए, इसके ऊपर मंथन हुआ है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में आज जो मोहर लगी जाएगी उसके ऊपर कुछ प्रस्ताव पारित होंगे, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रस्ताव पारित होंगे। उन प्रस्तावों के आधार पर ही कांग्रेस अपना भविष्य का रोडमैप तैयार करेगी और पहले टारगेट कांग्रेस के सामने है 2024 का लोकसभा चुनाव। जी मणि, बिल्कुल सही कहा आपने शशि मोहन। ग्राउंड पर कांग्रेस पार्टी खुद को कैसे मजबूत किया जाए, इन शॉर्ट में हम ये मानकर चल सकते हैं कि कैसे मजबूत किया जाए, ग्राउंड पर ये संकल्प लिए गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। शशि मोहन, संक्षेप में आपसे ये जानना चाहूंगी, हालांकि आपने सारी जानकारी दे दी है, ये बताइए संक्षेप में कि सार दल सार हमने देखे हैं कि कांग्रेस पार्टी के कई नेता जो है रूठे हैं। हमने ये भी देखा है कि कई नेताओं ने दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया। हमने ये भी देखा कि कपिल सिब्बल नहीं पहुंचे इस संकल्प शिविर में। इन रूठे नेताओं को मनाने के लिए कोई मंथन होगा इस संकल्प शिविर में? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मनी आपका। दरअसल कांग्रेस के लिए नेता केवल नेता नहीं है, केवल एक ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो आया और चुनाव लड़ा दिया, लेकिन वो पार्टी अपने नेताओं को धरोहर कैसे बनाए, उनको असेट और लाइबिलिटी में अंतर करना होगा, ये बात इस चिंतन शिविर में आई। और साथ में इस धरोहर को संभाल के कैसे रखे, जो असेट है उसको संभाल के कैसे रखे। पिछले दिनों कई नेता चुनाव जीतने के बाद छोड़ करके चले गए पार्टी, यह विषय उठा और इस सब का समाधान क्या हो सकता है, कैसे रोका जाए। देखिए, किसी के नेता की प्रतिबद्धता अगर बदल जाती है तो पार्टी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन पार्टी नेताओं को परख करके टिकट दे, यह इस फॉर्मूले पर बातचीत हुई कि नेताओं की जो निष्ठाएं हैं उनको पहले ही जांच परख करके उनको पार्टी के साथ जोड़ा जाए और पार्टी की विचारधारा अगर मजबूती से वो कोई समझ लेगा, प्रशिक्षण विभाग की अहमियत यही है, अगर पार्टी की विचारधारा जो कोई मजबूती से समझ लेगा उसके बाद में उसके पास में विकल्प ही नहीं रह जाएगा। जब कोई एक व्यक्ति विचार से जुड़ जाता है फिर चाहे वो सत्ता में रहे चाहे ना रहे, वो उस विचार के साथ में जुड़ा रहता है तो वो इधर उधर नहीं जाएगा। इसीलिए विचार प्रशिक्षण का आया कि प्रशिक्षण के जरिए पार्टी अपनी सोच को, अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी जो जनता के बीच में कनेक्टिविटी है उसको किस तरीके से बढ़ाए, कैसे मजबूत करे, इन सब मुद्दों पर बातचीत हुई। जी शशि मोहन, आप नजर बनाए रखेगा इस संकल्प शिविर का, आज आखिरी दिन है, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, बहुत शुक्रिया आपका। तो संकल्प शिविर का आज आखिरी दिन है और कौन कौन से संकल्प कांग्रेस पार्टी आज आखिरी दिन लेगी वो तमाम जानकारी सहयोगी शशि मोहन ने हमारे साथ जुड़कर साझा की है।